हेलो स्टूडेंट्स हाव यू आई होप यू ऑल फील बी वेरी फाइन डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास एट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज टू पॉइंट टू सो लेट्स सॉल्व इट ओके कल के वीडियो में हमने मैंने आपको तीन रूल समझाए थे उसी रू, रूल से हमें एक्सरसाइज टू पॉइंट टू सॉल्व करना है ओके सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज टू पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सिंपली फायदा फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ओके यहाँ पे फोर क्वेश्चंस हैं, हम वन क्वेश्चंस नोटबुक पे सॉल्व करेंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी वन क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे ओके okay? सेम बनेगा जैसा मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी वैसे ही बाकी के तीन क्वेश्चन भी बनेंगे तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का बी नंबर क्वेश्चन ओके बी नंबर क्वेश्चन ओके सी ही क्वेश्चन इज फोर अपॉइंट फाइव की होल पावर फोर मल्टीप्लाई फाइव अपॉइंट फोर की होल पावर टू ओके फोर अपॉइंट फाइव का पावर क्या है फोर है और फाइव अपॉइंट फोर का पावर है टू ओके okay? तो देखिए फोर अपॉन फाइव है और ये फाइव अपॉन फोर है तो हम इसको सेम कैसे बना सकते है? किसी एक नंबर को रेसिप्रोकल करके या तो आप इसको फाइव फाइव को ऊपर कर दीजिए और फोर को नीचे कर दीजिए तो ये फाइव अपॉन फोर बन जाएगा या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें फोर को ऊपर कर दीजिए और फाइव को नीचे कर दीजिए तो ये फोर अपॉन फाइव बन जाएगा ओके हमें क्या करना रहता है दोनों को सेम लाना होता है है ना ताकि हम कोई सा रूल अप्लाई कर सकें तो देखिए हम सेम ले आएंगे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने से मैंने क्या बताया था रेसिप्रोकल करने से जो पावर की साइन होती है वो चेंज हो जाती है ना तो देखिए हमने किया ये फोर को हमने ऊपर ले गया फाइव को हमने नीचे तो फोर अपॉन फाइव हो गया ये और पावर में टू था पहले तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू ओके अंडरस्टैंड समझ आ गया अब देखिए नीचे का जो है वो क्या हो गया सेम हो गया फोर अपॉन फाइव और हियर भी फोर अपॉन फाइव बट पावर्स क्या हो गए डिफरेंट और बीच में क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई तो ये कौन सा रूल था हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन सोल्व किए थे ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन नीचे सेम है पावर्स अलग है एम और एन तो जो मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाते हैं एड हो जाते हैं पावर्स तो देखिए सेम को हमने ए लिख दिया फोर अपॉइंट फाइव ए को वैसे ही लिख दिया गया पावर्स को हमने ऐड कर दिया फोर प्लस माइनस टू अंडरस्टैंड ऐड एड कर दीजिए तो देखिए क्या होगा इसका आंसर ओके अब हमें देखिए यहां पर इसको सॉल्व करना होगा ऊपर पावर को तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं फोर प्लस माइनस बिकम्स माइनस तो फोर माइनस टू ओके फोर माइनस टू बताइए कितना होगा टू तो देखिए क्या आता है ओके okay. देखिए यहाँ पर फोर अपॉन फाइव फोर माइनस टू ओके तो इसका आंसर कितना आएगा फोर अपॉन फाइव की होल पावर टू अब तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए फोर की भी पावर टू है जब हम इसे ओपन करेंगे तो मैंने बताया था कि फोर की पावर टू लिखेंगे और फाइव की पावर भी टू लिखेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाय फोर और इसे लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाय फाइव तो ये क्या होगा फोर फोर जा सिक्सटीन एंड फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव सो आंसर इज डिवाइडेड बाय ट्वेंटी ओके दिस विल बी द आंसर हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था आंसर फाइंड द फॉलोइंग बोला गया था सो सिंप्लीफाई सो दिस विल बी द आंसर सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिम्प्लीफाई बोला गया था तो हमने क्या किया पूरा सॉल्व करते गए लास्ट आंसर तक हमें इसे लाना था तो वैसे ही आप जैसे मैंने बी नंबर क्वेश्चन बताया आप ए सी और डी को ट्राई करेंगे ओके देन देकेंड नंबर क्वेश्चन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म पे इसे एक्सप्रेस करना है मैंने एक एग्जाम्पल बताया था ठीक है तो सेम उसे हमें आ, सेम इस क्वेश्चन को हमें उस क्वेश्चन की तरह करना है ओके सो लेट्स सॉल्व इट ओके सेकेंड बी नंबर क्वेश्चन ओके बी नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं नोटबुक पे आप ए और सी को उसमें थ्री ही क्वेश्चन है ए और सी को आप सॉल्व करेंगे ओके बी नंबर क्वेश्चन इज ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है हमें इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म पे शो करना है मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर की फॉर्म पे शो करना है ओके okay? तो देखते हैं चलिए क्या पावर हो सकती है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन देखिए किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब या किसी की पावर फोर मतलब किसी को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है क्या हमें देखना है 27 ट्वेंटी सेवन और वन ट्वेंटी फाइव तभी तो हम पावर में लिख पाएंगे है ना तो देखिए ट्वेंटी सेवन थ्री का अगर हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं थ्री थ्री जी नाइन नाइन थ्री ज ट्वेंटी सेवन मतलब थ्री का जो क्यूब है वो क्या है ट्वेंटी सेवन है और वन ट्वेंटी फाइव देखें तो फाइव का होगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव फाइव जन ट्वेंटी फाइव तो फाइव का जो क्यूब है वो वन ट्वेंटी फाइव है, है ना? तो हमें देखना था कि हम दोनों पावर्स हमारे पास सेम आए तो थ्री की भी थ्री की पावर थ्री ट्वेंटी सेवन होता है और फाइव की पावर भी थ्री वन ट्वेंटी फाइव होता है है ना सो so, दोनों की पावर थ्री है तो हम लिख देंगे इसको ट्वेंटी सेवन को लिख सकते हैं थ्री की पावर थ्री और फाइव को लिख सकते हैं सॉरी वन ट्वेंटी फाइव को लिख सकते हैं फाइव की पावर थ्री सो so, अब हम दोनों को एक साथ लिखना है हम ऐसा करते थे ना कि a डिवाइडेड बाय b लिखा हुआ है होल पावर m लिखा हुआ है तो हम इसको अलग अलग कर देते थे है ना अब देखिए अलग अलग तो है ही हमें इस फॉर्म में चेंज करना इस फॉर्म में है देखिए ये है तो हमें उल्टा कर दीजिए अब इसको थ्री अपॉन फाइव को एक साथ लिखिए होल पावर थ्री कर दीजिए थ्री अपॉन फाइव होल पावर थ्री तो ये क्या हो गया एक एक्सपोनेंट का फॉर्म हो गया ये क्या आ गया एक्सपोनेंट तो हम इसे लिख देंगे आंसर हमें क्या करना था क्वेश्चन में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था तो हमने तो लिख दिया सो दिस विल बी द आंसर ओके समझ आया हमें देखना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं वो किसके फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आते हैं किसके फाइव टाइम मल्टीप्लाई करने से आते हैं ओके और ऊपर नीचे के पावर सेम होने चाहिए मतलब अगर ये किसी के थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से आता है तो नीचे वाला भी किसी के थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ही आना चाहिए मतलब दोनों में पावर थ्री ही होना चाहिए और अगर इसमें पावर फोर है तो इसमें पावर फोर ही होना चाहिए ओके सेम है समझ आ गया तो हमें अगर हमारा ये दोनों सेम सेम आ जाता है पावर्स तो हम इसे एक्सपर फॉर्म पे इस फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं अंडरस्टैंड देखिए मेरे हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे ए बी और सी दिया हुआ ठीक है ए नेगेटिव क्वेश्चन है तो आप माइनस साइन का कोई वो नहीं है माइनस साइन हम बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं ओके देन सी को भी सी तो पॉजिटिव वाला है सी को भी आप सॉल्व करेंगे और ए नंबर को भी ट्राई करेंगे ओके okay? बी नंबर मैंने आपको बताया सेम एज आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ओके देन थर्ड नंबर क्वेश्चन प्रूफ दैट क्या क्वेश्चन है प्रूफ क्या है प्रूफ करना है हमें जैसे हमने वेरीफाई किया था फर्स्ट एक्सरसाइज पे हमने हमारे पास दो साइड दिए हुए थे इक्वल हैंड्स के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो हमने फर्स्ट साइड प्रूफ कर फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड दोनों को सॉल्व करके अगर दोनों इक्वल आता है तो वो वेरीफाई होता है या फिर उसको बोल सकते हैं प्रूफ होता है और अगर इक्वल नहीं आता दोनों साइड तो वो नॉट वेरीफाइड या नॉट प्रूफ्ड तो हमें इसमें प्रूफ करना है ओके थ्री क्वेश्चन यहाँ पर भी है मैं आपको बताने वाली हूं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बी नंबर क्वेश्चन ओके सेम एज आप इस ए और सी को भी सॉल्व करेंगे लेट्स सी बी नंबर क्वेश्चन इन नोटबुक ओके सो क्वेश्चन इज पी अपॉन क्यू की होल पावर एम मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू के होल पावर एम मल्टीप्लाई क्यू अपॉन पी का होल पावर एम इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी की होल पावर माइनस एम ओके हमारे पास दो साइड दिए हुए हैं देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड ओके हम सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि हम इस साइड से अगर उस साइड भेजते हैं है ना तो जो इधर मल्टीप्लाई होता है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है या फिर इधर जो डिवाइड होता है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और अगर कोई सा नंबर इधर प्लस में है तो वो इधर उस तरफ जाके माइनस हो जाता है और जो कोई नंबर इस साइड माइनस में है उस साइड जाके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ओके इक्वल्स टू के साइड चेंज करने से साइंस भी एक्सचेंज हो जाते हैं प्लस माइनस में माइनस प्लस में और मल्टीप्लाई डिवाइड में डिवाइड मल्टीप्लाई में ओके तो देखिए पी अपन क्यू और ये भी पी अपॉन क्यू तो हम पी अपन क्यू वाले को एक साइड रख लेंगे पर जो देखिए यहां क्यू अपॉन पी है और यहाँ पर भी क्यू अपॉन पी है तो हम दोनों को एक साइड भेज देंगे ओके तो पी अपॉन क्यू की होल पावर एम मल्टीप्लाय पी अपन क्यू का होल पावर एम देन इक्वल्स टू लगा दिया अब देखिए क्यू अपॉन पी का होल पावर एम जो था वो मल्टीप्लाई में था तो हम उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड ओके डिवाइड की साइन लगा दी हमने डिवाइड क्यू अपॉन पी का होल पावर एम अंडरस्टैंड समझ आ गया अब देखिए ये दोनों के नीचे के नंबर सेम है पावर्स भी सेम है तो हम इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं ये वाला रूल लगा सकते हैं जो हमने सिंपली पढ़ा है कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन यहाँ एम और एन दोनों सेम ही हैं, तो भी हम ये रूल लगा सकते हैं हम दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो पी और क्यू लिखा हमने कॉमन देन दोनों पावर्स को एम प्लस एम कर दिया ओके इक्वल्स टू अब देखिए यहाँ दोनों नीचे सेम है हमारे पास और ये डिवाइड है बीच में ओके okay? डिवाइड लगा हुआ है और पावर्स को हम क्या करेंगे बताइए पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स क्या होती हैं डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो क्यू अपॉन पी हमने कॉमन लिखा ये वाला रूल एम ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन ये होता है जब डिवाइड लिखा होता है बीच में और नीचे के नंबर सेम और पावर्स डिफरेंट होती है तो माइनस हो जाता है तो वही हम यहाँ कर रहे हैं देखिए नीचे सेम है पावर्स अलग है बट और बीच में डिवाइड का साइन है तो हम माइनस करेंगे सो लेट्स माइनस इट माइनस द पावर्स देखिए क्यू अपन पी हमने कॉमन लिखा ए ठीक है माइनस एम तो पहले से है माइनस एम लिख दिया बीच में माइनस कर रहे हैं हम देन एम ओके अंडरस्टैंड अब हम सॉल्व करते जाते हैं देखिए p अपॉन क्यू लिखा हमने और ये m प्लस एम इज इक्वल्स टू टू एम इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी लिखा अब ये दोनों क्या है माइनस माइनस बिकम्स प्लस प्लस करिए m प्लस एम टू एम आ गया साइन कौन सा लगेगा कॉमन साइन माइनस सो माइनस टू एम आ गया अब देखिए यहां p अपॉन क्यू है और यहां क्या है q अपॉन पी तो हम कोई सा भी एक्सचेंज कर सकते हैं सेम करने के लिए या तो हम इसे क्यू अपॉन पी कर दें या फिर इसे पी अपॉन क्यू कर दें तो हम इसे क्या कर देते पी अपॉन क्यू तो ये देखिए ऊपर जाएगा पी क्यू नीचे आएगा सो पी अपॉन क्यू तो जो पावर की साइन होगी वो चेंज हो जाएगी तो पावर में कौन से साइन थी देखिए नेगेटिव साइन थी तो यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव तो पी अपॉन क्यू का होल पावर टू एम और पी अपॉन क्यू का होल पावर टू एम दोनों क्या है इक्वल है सो दिस इज वेरीफाइड ओके और आप लिख सकते हैं प्रूफ क्या लिख सकते हैं प्रूफ वेरीफाइड और प्रूफ अंडरस्टैंड ओके इसी तरह के इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो प्रूफ वाले वो आपको दोनों साइड्स को सॉल्व करने हैं ओके okay? और देन दोनों साइड अगर इक्वल आते हैं तो आपका आप जो ये क्वेश्चन है वो प्रूफ कहलाएगा और अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आते हैं डरस्टेंड तो ए और सी आप सोल्व करके देखेंगे ट्राई करेंगे एक बार ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ राइट ट्रू और फॉल्स हमें क्या लिखना है इसमें ट्रू या फॉल्स लिखना है ओके माइनस फाइव अपॉन फोर का होल पावर सिक्सटी फाइव लिखा हुआ है माइनस फाइव अपॉन फोर की होल पावर सिक्सटी फाइव इक्वल्स टू इसका आंसर लिखा गया है माइनस फाइव की पावर सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाय फोर की पावर सिक्सटी फाइव ओके ये लिखा गया है ओपन करके तो क्या ये सही है कि गलत है बताइए इसका आंसर ये होगा ऐसा लिखा गया है तो देखिए यस yes, अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस के साथ भी 65 की पावर आएगी माइनस वन के साथ भी है ना तो माइनस वन की पावर 65 मतलब 65 कौन सा नंबर है ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का आंसर क्या आता है माइनस वन तो यहां माइनस तो रहेगा ही और फाइव के पावर में भी सिक्सटी फाइव आ जाएगा फोर के पावर में भी सिक्सटी फाइव आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन ये होगा ओके सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडरस्टैंड देन बी नंबर क्वेश्चन ऐसे ही हमें देखना है कि इसने सही सॉल्व हुआ है कि नहीं इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आता है या नहीं हमें देखना है अगर नहीं आता तो फॉल्स आता है तो ट्रू बी नंबर क्वेश्चन माइनस थर्टी टू अपॉन नाइनटीन की होल पावर वन हंड्रेड फिफ्टी तो देखिए अगर हम माइनस को वन हंड्रेड माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो देखिए ओपन करेंगे तो माइनस वन यहां पर होगा तो माइनस वन के साथ भी वन फिफ्टी की पावर होगी और थर्टी टू के साथ भी वन फिफ्टी की पावर होगी ओके और डिवाइड में नाइनटीन की पावर भी वन फिफ्टी होगी तो अगर हम माइनस वन की पावर वन फिफ्टी देख रहे हैं तो ये क्या नंबर है नंबर है, है ना क्योंकि लास्ट इज़ इट जीरो है, तो ये ईवन नंबर है। तो नंबर अगर माइनस वन हम करते हैं तो क्या आ जाता है पॉजिटिव आता है तो वन आ जाएगा वन को अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो तो वही आएगा पॉजिटिव नंबर ये देखिए तो अगर हम वन का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे so 32 तो थर्टी टू की होल पावर वन फिफ्टी और नाइनटीन की पावर वन फिफ्टी तो देखिए यहाँ लिखा हुआ थर्टी टू की पावर वन फिफ्टी अपॉन नाइनटीन की पावर वन फिफ्टी सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओके ये भी क्या है ट्रू है देन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई थ्री की होल पावर फाइव क्या लिखा हुआ ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई थ्री की होल पावर फाइव तो अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ट्वेंटी फाइव की भी पावर फाइव आएगी और थ्री की पावर भी फाइव आएगी तो क्या यहाँ वो लिखा हुआ है देखिए सिर्फ ट्वेंटी फाइव सिंगल लिखा हुआ है मल्टीप्लाई थ्री की पावर फाइव लिखा हुआ है तो ये तो फॉल्स होगा ना जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे देखिए इसको तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव की पावर फाइव भी होगा मल्टीप्लाई थ्री की पावर फाइव भी होगा हमें ऐसा चाहिए था लेकिन यहां तो ऐसा लिखा हुआ है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है ओके देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन 27 सेवन अपॉन सिक्सटीन की होल पावर माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू ट्वेंटी की होल पावर 15 अपॉन सिक्सटीन की पावर 15. देखिए पावर पे माइनस फिफ्टीन दिया हुआ है तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ट्वेंटी सेवन की भी पावर माइनस फिफ्टीन होगी और सिक्सटीन की भी पावर माइनस फिफ्टीन होगी हमने रूल पढ़ा है कि अगर ए की पावर ए डिवाइडेड बाय बी की होल पावर एम लिखा हुआ है तो ए की पावर एम और बी की पावर एम लिखा जाएगा तो वैसे ही यहाँ पर माइनस में है नंबर तो माइनस में ही आएगा खोलेंगे हम ब्रैकेट तो ट्वेंटी सेवन की पावर भी माइनस फिफ्टीन आएगा और सिक्सटीन की भी पावर माइनस फिफ्टीन आएगा बट यहाँ पॉजिटिव फिफ्टीन लिखा हुआ है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके समझ आ गया ये ट्रू और फॉल्स हमें देखना है कि इसने जो सोल्यूशन किया है वो राइट right है या रॉन्ग ओके ओके सो टू पॉइंट टू में इतने ही क्वेश्चन थे टू पॉइंट टू आज एक्सरसाइज टू पॉइंट टू और हमारा चैप्टर टू यहां पर खत्म होता है ओके okay? सो so आप इस क्वेश्चन मतलब चैप्टर सेकंड को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ओके okay? और देखिए नीचे पे दिया हुआ है वी हैव लर्न इसमें थ्री रूल्स दिए हुए हैं आप उन मैंने जो बताए हैं वही रूल्स को एक बार रिपीट किया गया है जो इसमें मेन रूल्स हैं तो आप इन रूल्स को एक बार रीड जरूर करेंगे ओके okay? फिर से सो चैप्टर टू को आप सॉल्व करेंगे अच्छे से और लगातार प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर टू आपसे बनने लग जाएगा uh, आज के लिए बस इतना ही सो दैट्स इट फॉर नाउ मीट यू ऑल इन अवर नेक्स्ट वीडियो और हम मिलेंगे अपने न्यू चैप्टर के साथ ओके सो स्टे होम स्टे सेफ पेरेंट्स की बात माने और मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहें थैंक यू सो मच